तो देखिए दोस्तों, हम आप लोग से कुछ कहने आए हैं और अपने दिल का बात बताने आए हैं कि एक लोग से गलती हो जाती है तो दुनिया को भोगना पड़ता है। तो बता नहीं सकते कि हमारे भी साथ वैसा बात विचार होने लगा, जो कि हमारे जो हस्बैंड है, जो कि आज सुबह सुबह ऐसे बात हमको बोल दिए कि कभी हम सोच नहीं सके थे कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। और मालती भाभी की गलती से सब लोग बोल रहे हैं, और ना वैसा काम की होती ना हम लोग को ऐसा सुनना पड़ता। दूसरी बात कि सबका भरोसा ही तोड़ दी मालती भाभी, और जितने ब्लॉगिंग बनाने वाले हैं सबका भी भरोसा तोड़ दी, किसी का कुछ नहीं बचा है। देखिए शरीर पर कितना भी गाना रहता है ना, तो ठीक है शरीर पे गाना रहता है बहुत ज्यादा, हम मानते हैं बहुत ज्यादा ही रहता है, सोना कितना सोना पहन लीजिए लेकिन इज्जत नहीं रहेगा ना तो कोई काम का सोना और गहना नहीं है। तो वही बात है कि जो जो मालती भाभी गलती की है उसकी वजह से सबको सुनना पड़ रहा है। आज हमारे पति सुबह सुबह बोले, क्या बोले आप लोग से बता रहे हैं। देखिए एक की गलती से सबको भोगना पड़ता है, तो हम तो जान रहे हैं, आज जान गए, पूरा जान गए, ठीक ना। नहीं हमेशा आप लोग के लिए हम झगड़ा करते थे कि नहीं हमारे योरी के नाम बस लेते हैं और सब कुछ सब लोग करते हैं, लेकिन क्या बोले कि देखो तुम भी उधरिए की हो ना, तुम भी दूसरी शादी कर लो। तुम्हारे और ऐसा ही होता है, जो ब्लॉकिंग काम करते हैं और जो काम करते हैं तो कोई ठीक है तुम लोग का। यही बात बोले, हमको बहुत अंदर से तकलीफ लगा, मन किया कि हम सच में कहीं भाग जाएं या कि कुछ खा के मर जाएं। लेकिन लोग बोलेंगे कि फ्यूज पाने के लिए खुशी ऐसा काम क्यों थी, ऐसा कोई बात नहीं। आज हम सुबह से रो रहे हैं, सुबह से रो रहे हैं, खाना उना नहीं खाए हैं ना बनाए हैं, आज सुबह से रो रहे हैं। कि देखिए एक तो झूठ पे झूठ बोला जा रही थी मालती भाभी, और उसमें भी गुरुप्रिय भाभी को भी ले ली थी कि जो कि सच्चाई का सामना कर रही थी भाभी। और सच्चाई का मतलब क्या होता है, वहां से छूट गई और रात में शादी कर ली, ये कोई बात नहीं हुई भाभी मानती भाभी, ठीक ना। और विष्णु भैया आप कितना बढ़िया जिगरा वाले हैं कि अपने सामने अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर डालते हुए देखे हैं, डलवाए भी हैं, ठीक। यही एक विश्वास होता है, वो आपको हंसी खुशी अपना खुशी दे दिए ना। आज के डेट में किसी का पत्नी किसी की किसी मर्द से हंस के बोल रही है तो पति को देख नहीं जा रहा है, आप तो सामने खड़ा होकर सिंदूर डलवाए, अजीब बात है, ठीक। और अपने ससुराल का तो इज्जत अबरू रखी होती मालती भाभी, अपनी भाई बहन का तो सबसे बड़ा इज्जत होता है, ठीक ना। पैसा रुपया आज रहेगा कल नहीं रहेगा, पैसा रुपया हाथ कमाई आपके चलते लोग सबको सुनना पड़ रहा है, कोई बात नहीं हुआ। ठीक है हम लोग ब्लॉक करते हैं, लेकिन अपने परिवार जैसा हम लोग सब लोग हैं, जितने यूट्यूबर हैं उतने हम लोग अपने फैमिली जैसा है। हम गलती करेंगे तो आप लोग नहीं डांटेंगे, नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि हम आप लोग के सदस्य के हैं। और आप लोग को पता है कि हमारे में पहले से ही झगड़ा चलता था, कुछ दहेज के लेकर चलता था, कुछ लड़की के चक्कर में लेके चलता था, बहुत चलता है हमारे यहाँ। आप लोग को हद से ज़्यादा हो जाता है तो शेयर करते हैं, ये नहीं है कि नहीं करते, हम करते हैं, ठीक। और एक बात और आप लोग से बता रहे, ऐसा ऐसा बात हम शेयर किए हैं कि हमारा वीडियो प्राइवेट किया जाता था और डिलीट भी किया गया है, पर हमको उतना नहीं आता है फिर भी हम बताते हैं आपको, आप सब लोग को। लेकिन जो आपकी गलती से सबको भोगना पड़ रहा है और एक छोटा मासूम बच्चा का जीवन खराब करके है यहाँ, वो कभी माफ नहीं करेगा। जब तक ये हम लोग माँ नहीं बने थे तब तक हम लोग बेटा बेटी का दर्द क्या समझेंगे।
लेकिन जब बन गया ना तो हम लोग को सबको समझ में आ गया कि माँ बनने में कितना दर्द होता है। तो आप तो माँ बाप का खिलवाड़ कर दिया। एक आपके साथ भाई भी ज्यादा था, बेचारा इतना मासूम से बोला है कि जीजा दीदी को लेकर चलेंगे, हम लोग को पता नहीं चला कब ये लोग चलेगा। सबसे हमारे बात को, आपकी बात को तकलीफ हो रहा है कि हर बात झूठ बनाई कि राखी बांधे हम अर्जुन को और आज शादी कर ली। दूसरी बात कि वो कैसा दिल है आपका कि अपना पति छोड़ के, कैसा भी पति रहता है, कैसे लोग बोलते हैं कि बूढ़ भतार सोरहु सिंगार, ऐसे लोग बोलते हैं ना। एक कहानी है, हम लोग कॉमेडी करते हैं तो बहुत अक्सर बोलते हैं कि बूढ़ भतार सोरहु सिंगार हमारे वही पर घुमानवा। तो देखिए आप उस चीज का लाज लिहाज नहीं किए, आपको जितने पब्लिक प्यार दिया है उतने ही आप प्यार को घोर के पी लिए। सब लोग बोलते थे गोरखपुरिया भाभी है कि भीड़ पाने के लिए किसी के बीच में कूद जाती है, ये गलत बात है। सबसे तो बड़ा गलती आप की है कि भीड़ पाने के लिए लोग के सामने ऐसे हरकत कर दी। आपका जो चचिया सास है जो वीडियो बना के वो प्रिया है कुछ है ऐसे नाम की नहीं है वो भाभी जो इंस्टाग्राम पे से शादी हुआ था, वो आपका चाची सास है ना, वो बेचारी कितना रो रही है। और बेचारा कितना रो रहा है कि हम अपने भतीजा को गोदी में खिलाए थे, छोटा था तो ऐसे किए थे वैसे किए थे, उस चीज का भी तो लाज लिहाज आप नहीं रख सकती हैं। और ना तो साफ बनती थी कि हम ऐसे नहीं है दीदी, गोरखपुरिया दीदी हमको बचा लीजिए, हम ऐसा काम नहीं किए हैं, और सबसे गंदा काम आप किए हैं, आपसे गलत कोई काम नहीं किया है। ठीक है विष्णु राज पर्दे में किया था ठीक, लेकिन आप तो पर्दे में भी की होंगी और पूरा दुनिया के सामने दिखा दी कि हाँ हम उसके बिना नहीं जी पाएंगे और उससे शादी करेंगे। ये आपकी छोटी सी गलती से बड़ा गलती हो गया। और दूसरी बात कि किसी भी औरत पे कोई भी मर्द विश्वास नहीं करेगा, वो भी इस लाइन में करने लायक आप नहीं छोड़ी है। हम ये बात आपसे कह रहे हैं कि आप करने लायक नहीं छोड़ी है, इतना गंदा हरकत आप क्यों की है बताइए, किसी की चढ़ाने में की है। लेकिन देखिए सुनना है सबका और करना है अपने मन का, जो हमारा मन करता है वो हम वो करेंगे। आप लोग बहुत हमारे वीडियो देखे होंगे कि हमारे पति छोड़ के भाग जाते हैं, मेरी बेबी होने वाली थी तभी भी भाग गए थे, पर क्या करें हम, दूसरे से हम कर ले, फिर हमारे और उनके में कोई फैसला और कोई रह नहीं जाएगा, हम कर लेंगे वही का। मर्द सात जगह मुंह मरा के आता है तभी पाक रहता है, सही रहता है। और हम एक जगह से दूसरा जगह चले जाएंगे ना तो हमको लोग दुष्ट देगा और कह देगा भरसक आपकी मांग में सिंदूर डाले हैं फिर भी आप दुआ का आ जाएंगे। तो ये आप लोग पूरा लोग को, लोग का इज्जत ले लिए हैं अर्जुन जी और मालती भाभी है जो अर्जुन का तो उतना जो कि यूट्यूब पर नाम भी नहीं था, और चर्चित होने के लिए अर्जुन का भी नाम ले लिए। तो कैसे मर्द हैं कि अपनी बीवी को छोड़ के, अपने बाल बच्चा को छोड़ के और किसी के पत्नी को छीन कर और प्यार किए और ब्याह किए, ये कोई प्यार होता है? किसी का घर नहीं बसा सकते हैं ना तो किसी का उजाड़ने का भी मत सोचिए, ठीक ना, हम ये कहते हैं। लेकिन हमारा छोटा सा, आपका बड़ा सा गलती से लगता है कि बहुत लोग का घर उजड़ जाएगा और बहुत लोग ताना सुन के जहर मौर खा लेंगे, मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। 100 बात के एक ही बात तो बोले, तुम भी उधर ही है कि और ऐसे ही कर लोगी, कर लो शादी। अब कोई का बात नहीं था छोटा सा बात के लिए, हम बोले कि कहाँ है यार, क्या कर रहे हैं, बुचिया को धरिए ना, बस हम इतना ही किए हैं।
तो आप लोग के चलते सबका मुंह खुल गया है और आप लोग प्रशासन को और कोर्ट कचहरी को खिलवाड़ बना दिए हैं। इसीलिए गोरखपुरिया भाऊ जी से पूछिए कि इज्जत का मतलब क्या होता है, आज वही जानती होंगी कि हमारा सब इज्जत घोर के पी दिए, उनको भिगा के चप्पल मालती भाभी मांगी मारी है जूता मुंह पे। ऐसा काम किसी के साथ नहीं किया जाता है मालती भाभी, ठीक है, कि भिगा के जूता मारिए किसी के मुंह पे। अब तो अपना घर बसा ली, हाँ, लेकिन आपका खुशी इतने लोग का काया और दिल कुहकेगा ना, और पति का तो कभी खुश नहीं रहेंगी आप, और ज्यादा दिन खुशी आपके पास नहीं रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। और हम अपने दिल का बात बोलें कि हमारे साथ भी ऐसा हो गया है, देखिए न सांझ न सुबेर तुरंत हुआ। तो आप लोग से हम कहे हैं, ठीक, तो आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम सच बोले हैं कि झूठ बोले हैं, और कोई गलती हुई होगी तो माफ करिएगा तब तक। ये